हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्लेस। ज्ञान प्लेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो दो पार्ट में आएंगे। पहले पार्ट में जनवरी से लेकर मई तक को कवर करेंगे और पार्ट टू में जून से लेकर अक्टूबर तक को कवर करेंगे। ये वीडियो खासकर आने वाले एग्जाम बिहार SSC 10+2 और BPSC के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का सही टाइम पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार CM नीतीश कुमार फ्लैग्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹500 करोड़। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टोटल 750 प्रोजेक्ट को बेगूसराय और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में अनावरण किया अपने विकास समीक्षा यात्रा के दौरान, जो कि 28 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया था। पहले चरण में 6 जनवरी 2018 को 294 प्रोजेक्ट जिसका लागत था 236 करोड़ रुपया, वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के गोछारी कटहा गांव में अनावरण किया। और उसके बाद टोटल 462 प्रोजेक्ट जिसका लागत था अराउंड 321 करोड़ रुपया, वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बरभिघी गांव में अनावरण किया। आइए आगे देखते हैं। बिहार गवर्नमेंट बैंस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर हर तरीके का बैन लगा दिया है और ऐसा करने वाला 8वां राज्य बना बिहार, जहां ई सिगरेट को बैन कर दिया गया। चाहे वो मैन्युफैक्चर की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन, खरीद बिक्री या फिर ऑनलाइन भी खरीद बिक्री, हर तरीके से इसको बैन कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। बिहार कैबिनेट ग्रांट्स ₹105 करोड़ फॉर बिहार महादलित विकास मिशन। बिहार कैबिनेट ने बिहार महादलित विकास मिशन के लिए टोटल 105 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है और इस कैबिनेट मीटिंग का हेड किया गया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा। और इसके साथ ही पटना ब्लॉक के फुलवारी शरीफ में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने के लिए अराउंड 56.72 करोड़ रुपया फंड जारी किया गया, जिसमें माओवादी और खतरनाक किस्म के क्रिमिनल को रखा जाएगा। आगे है, दिल्ली इज द रिचेस्ट स्टेट, बिहार द पोरेस्ट। एज पर डाटा कलेक्टेड थ्रू नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे कंडक्टेड अमॉन्ग मोर देन 6 लाख हाउस होल्ड इन 2015 and 2016, दिल्ली इज द रिचेस्ट स्टेट वाइल बिहार इज द पुरेस्ट। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार दिल्ली को सबसे ज़्यादा धनी राज्य घोषित किया गया और वहीं पे बिहार को सबसे ज़्यादा गरीब। आइए आगे देखते हैं। नीतीश कुमार रिसीव्स फर्स्ट मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने सार्वजनिक लाइफ में ईमानदारी के लिए उसको पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका आयोजन जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जो कि जम्मू में वहाँ पर आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और NN बोहरा जो कि गवर्नर थे उस टाइम के जम्मू कश्मीर के, उसके द्वारा आयोजित किया गया और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद का डेथ एनिवर्सरी था। और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे। आइए आगे देखते हैं। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री साइन MOU विथ बिहार एंड झारखंड फॉर कंप्लीटिंग ऑफ नॉर्थ कोयल रिजर्वर प्रोजेक्ट। 12 जनवरी 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन के बीच MOU साइन किया गया, जिसमें टोटल 1622.27 करोड़ रुपया इसमें एस्टिमेट कॉस्ट को एलोकेट किया गया। इस प्रोजेक्ट में जो कि नॉर्थ कोयल रिवर है, ये सोन नदी का सहायक नदी है
और इस एमओयू के अनुसार जो टोटल कॉस्ट है 1622.27, जिसमें से 1378.61 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा और बाकी के जो है वो नाबार्ड द्वारा दिया जाएगा लोन के रूप में बिहार और झारखंड को। आइए आगे देखते हैं। INS विक्रमादित्य फॉर्मली एफिलिएटेड टू बिहार रेजिमेंट, इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य जो कि इंडियन नेवी का सबसे बड़ा जहाज है और साथ ही ये इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है। द एफिलिएशन सेरेमनी वॉज हेल्ड ऑन बोर्ड INS विक्रमादित्य एट करवार नेवल बेस कर्नाटका, और इस सेरेमनी का जो मोटो था वो था विक्ट्री थ्रू ज्वाइंटनेस। आइए आगे देखते हैं। बिहार बैन सेल्स ऑफ लूज सिगरेट, 9 फरवरी 2018 को बिहार सरकार ने लूज सिगरेट की बिक्री पर बैन लगा दिया गया और ऐसा करने वाला 12वां राज्य बना जहां पे लूज सिगरेट को बैन कर दिया गया। और ये सेक्शन 7 के अनुसार सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट कोटपा 2003 के अनुसार इसको बैन लगाया गया है। आइए आगे देखते हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इनोग्रेट सीपीए कॉन्फ्रेंस इन पटना, 17 फरवरी 2018 को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 6ठे संस्करण को पटना में इनोग्रेट किए। इसका आयोजन 2 दिनों तक तो चला और डिस्कशन का जो मेन सब्जेक्ट था वो था पार्लियामेंट रोल इन द डेवलपमेंट एजेंडा एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और इस कॉन्फ्रेंस में लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी भी इसको एड्रेस किए थे। आइए आगे देखते हैं। केश द्विवेदी अपॉइंटेड एज डीजीपी ऑफ बिहार, केश द्विवेदी हैज बीन नेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ बिहार। केश द्विवेदी 1 मार्च 2018 से पीके ठाकुर को रिप्लेस करके अपना पदभार संभाले और इसका अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा किया गया। आइए आगे देखते हैं। सुशील मोदी इनोग्रेट्स बिहार फर्स्ट स्टार्टअप हब इन पटना, 16 मार्च 2018 को बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के वित्त मंत्री भी हैं वो बिहार के पहला स्टार्टअप हब को इनोग्रेट किया। सुशील मोदी सेड डेट वर्क स्टेशन एंड वर्क स्पेस अलोंग विथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लग एंड प्ले फैसिलिटी विल बी ऑफर्ड टू 31st स्टार्टअप कंपनी इन द स्टार्टअप हब। आइए आगे देखते हैं। बिहार सेलिब्रेट्स 106 फाउंडेशन डे, बिहार अपना 106वां स्थापना दिवस मनाया 22 मार्च 2018 को और इसका आयोजन 3 जगहों पे किया गया था, गांधी मैदान, SK मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन पटना। और इस स्थापना दिवस का जो थीम था वो था सेंचुरी ऑफ चंपारण सत्याग्रह एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रॉय एंड चाइल्ड मैरिज, यानी चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी और दहेज प्रथा और चाइल्ड मैरिज को खत्म करना। और इसका आयोजन जो था वो 24 मार्च तक चला था, यानी 3 दिन तक इसका आयोजन किया गया। और इस स्थापना दिवस में जो चीफ गेस्ट आए थे वो आए थे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, और इसके साथ ही वो 4 बुक भी रिलीज किए जो था, एक था मोहन, बापू की चिट्ठी, चंपारण की कहानी और नील के धब्बे, ये 4 बुक को रिलीज किए थे। सबसे पहले बार बिहार दिवस मनाया गया था 2012 को और बंगाल से 1912 में बिहार अलग हुआ था। आइए आगे देखते हैं। अप्रैल माह को मधुबनी रेलवे स्टेशन इन बिहार गेट्स मेक ओवर विथ मिथिला पेंटिंग,
मधुबनी रेलवे स्टेशन को मिथिला पेंटिंग के द्वारा सजाया गया, और इसको सजाने में जो टोटल आर्टिस्ट थे वो थे 225 से ज़्यादा, जिसमें करीब 80% महिला थे। और खास बात था कि इसको पेंटिंग करने में जो एक आर्टिस्ट का मेहनताना होता है, लेबर चार्ज होता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसके साथ ही दिस फीट इज इक्विवेलेंट टू अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द टोटल वॉल एरिया मोर देन 14,000 स्क्वायर फीट हैज बीन सक्सेसफुली पेंटेड विथ अंडर ट्रेडिशनल मिथिला पेंटिंग। और एक खास बात, इस बार के 2018 में ब्यूटिफिकेशन कॉन्टेस्ट में मधुबनी रेलवे स्टेशन को सेकेंड प्राइज मिला था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। मोदी लॉन्चेज इंडियाज मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इन बिहार। 10 अप्रैल 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो कि बिहार के मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री से, इसका अनावरण किया। दिस लोकोमोटिव विच इज सो फार इंडिया मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव हैज बीन डेवलप्ड एट मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री एंड इज द फर्स्ट बिग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय अलस्ट्रम ऑफ फ्रांस। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो होगा 120 किलोमीटर पर आवर। आइए आगे देखते हैं। अबाउट सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज इन बिहार टू अटेंड द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ द चंपारण सत्याग्रह एज अ पार्ट ऑफ चलो चंपारण कैंपेन। और इस सेलिब्रेशन का जो थीम था वो था सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। और इसके साथ ही मोतिहारी में 6600 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया, जिसका यूज वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सेक्टर में किया जाएगा और रेलवे सेक्टर में किया जाएगा, और इसके साथ ही अदर प्रोजेक्ट में इसका यूज किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। बिहार हैज हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट एससी एंड एसटी। एससी और एसटी के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम जो रिपोर्ट किया गया वो किया गया बिहार में। एज पर एनसीआरबी डाटा क्राइम अगेंस्ट एससी एंड एसटी इज लोएस्ट इन वेस्ट बंगाल, और वहीं पे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कम मामला रिपोर्ट किया गया। और एससी की बात करें तो मध्य प्रदेश रिपोर्टेड द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट एससी। एससी के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट किया गया मध्य प्रदेश में, और वहीं पे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट किया गया उसके खिलाफ। आइए आगे देखते हैं। क्विक फैक्ट अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में एनसीआरबी का, और ये रिस्पॉन्सिबल है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा एज डिफाइंड बाय द इंडियन पेनल कोड। और इसका जो मिनिस्ट्री है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके करंट डायरेक्टर जो है वो है ईश कुमार। आइए आगे देखते हैं। एनडीएमए कंडक्ट इस फर्स्ट एवर मॉक एक्सरसाइज ऑन बायो डिजास्टर एट पटना एयरपोर्ट। इसका आयोजन 27 अप्रैल 2018 को लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना में 5 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत किया गया, जिसका एम था कि इमरजेंसी के दौरान अगर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर हमला होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए और अपना प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया था। और ये कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स द्वारा ज्वाइंटली फर्स्ट एवर फुल स्केल पे इसका एक्सरसाइज किया गया।
Patna tops in 4G connectivity among 20 largest cities. As per a report by OpenSignal, Patna has ranked number 1 among 20 largest cities in India in terms of 4G ability. 4G ability और कनेक्टिविटी के मामले में पटना को पहला स्थान मिला है और इसका मॉनिटर स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2017 को जो कि 90 दिनों तक चला था जिसमें पटना को पहला स्थान मिला। आप देख सकते हैं 92.61% के साथ पटना को पहला स्थान और 91.33% के साथ कानपुर को दूसरा स्थान और इसी तरह से दसवां स्थान जो मिला था वो मिला था बेंगलुरु को 88.29%। आइए आगे देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार फ्लैग्स ऑफ बीज वाहन विकास वाहन रथ फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर जिला के लिए बीज वाहन विकास वाहन रथ को हरी झंडी दिखाया। 19 अप्रैल 2018 को बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फ्लैग्स ऑफ द कृषि महाभियान कम बीज विकास वाहन रथ को जो है खरीफ सीजन के दौरान गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस रथ को हरी झंडी दिखाया। मिस्टर नीतीश कुमार फ्लैग्स ऑफ टू रथ फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एट फंक्शन इन पटना ऑन द ओकेजन ऑफ खरीफ महाअभियान कम महोत्सव 2018। ऑफ द टू रथ वन इज खरीफ महाअभियान कम महोत्सव रथ जो कि ब्लॉक स्तर पे ग्राम पंचायत के स्तर पे और गांव के स्तर पे किसानों के बीच स्कीम के बारे में खरीफ सीजन के दौरान अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे और जो अदर दूसरा रथ जो था बीज यानी सीड वाहन विकास रथ व्हिच हैव खरीफ सीड्स हैव पेस्टिसाइड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ खरीफ क्रॉप। आइए आगे देखते हैं। बिहार कैबिनेट अप्रूव्स फिशरीज कॉलेज एट किशनगंज। 29 मई 2018 को बिहार कैबिनेट ने किशनगंज में फिशरीज कॉलेज बनाने के लिए टोटल 40.31 करोड़ रुपये का अप्रूवल दिया है और इसके साथ ही पीएमसीएच में किडनी ट्रांसप्लांट फैसिलिटी को शुरू करने के लिए ट्रांसप्लांट एंड नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए टोटल 88 न्यू पोस्ट को क्रिएशन के लिए उसको अप्रूवल दिया है। आइए आगे देखते हैं। फॉर्मर बिहार मिनिस्टर कामेश्वर पासवान पास अवे। बिहार के पूर्व मंत्री कामेश्वर पासवान का निधन हो गया और इसका जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी था वो था फतुहा और वो 1990 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इस वीडियो में बस यहीं तक। पार्ट टू में हम लोग जून से लेकर अक्टूबर तक कवर करेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।